काफी बार हमें सवाल आते रहते हैं कि सेक्स पिल्स कौन सी अच्छी है, सेक्स टैबलेट्स कौन सी अच्छी है, कौन सा स्प्रे, कौन सा ऑयल वापरना चाहिए, और उसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति धन्य हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखिए, कोई भी टैबलेट या पिल आप किसी से भी लेते हो, तो आपने ये देखना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं, क्या एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। आप जब दिल्ली जाते हो ना, तो करीब करीब 100 किलोमीटर पहले से ही दीवारों के ऊपर बहुत कुछ लिखा रहता है, डॉक्टरों के नाम लिखे रहते हैं। क्या वो सही डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है? यदि आपने बचपन में गलती की होंगी तो इनसे मिले। काफ़ी सारे सेक्स टॉनिक्स अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी जाहिरातें आती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, और आपके इसमें चीटिंग हो सकती है। पैसा मंगाते हैं, फ्री में दवाई देंगे, फ्री में सलाह देंगे, ऐसा बोलते हैं, और फिर आपको दवाई मिलने के बाद में पैसा दो, और मिलने के बाद में जब आप खोल के देखते तो वहाँ सिर्फ काली पाउडर रहती, बाकी कुछ नहीं रहता। तो ये सब आपको देखना है कि हम किससे दवा ले रहे हैं, वो क्वालिफाइड है, डिग्री है उसके पास में, तो ये हम देखेंगे तो आपको सही एडवाइस मिल सकती है। मेनली तीन पिल्स अलग अलग प्रकार के, और तीन पिल्स ब्रॉडली मैं बोल सकता हूँ कि इसके बारे में, मतलब तीन पिल्स है ये जो सेक्स पिल्स बोले जाते हैं, सेक्स टैबलेट्स। तो उसमें एक है कि PDE5 इनहिबिटर्स, जिसमें टाडालाफिल, वर्दानाफिल, एवेनाफिल, सिल्डानाफिल ये ग्रुप आता है, PDE5 इनहिबिटर्स। दूसरा है SSRIs, जिसमें फ्लॉक्सेटिन, पैरोक्सीटिन, डेपॉक्सिटिन ये आते हैं, और तीसरा है सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब हम देखते हैं कि भाई ये दवाई लेते हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा, मगर ये दवाई जो है स्पेशली PDE5 इनहिबिटर्स, वो दवाई लेने के बाद में ऐसा नहीं कि दवाई खाई और इरेक्शन आ गया, एकदम लंबा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि आपने दवा लेने के बाद में दिमाग में विचार आना जरूरी है। यदि सेक्स के विचार नहीं आते हैं तो गोली का कोई फायदा होगा नहीं। तो सेक्स के विचार आना जरूरी है, उसके बारे में, सेक्स के बारे में सोचना है, एक्साइटमेंट लाना है, विचार करना, देखना, टच करना, फोरप्ले करना, तभी इरेक्शन होगा, वैसे इरेक्शन नहीं होता है। और ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये मेनली दो बीमारियों के लिए दी जाती है। एक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका मतलब नपुंसकत्व, टाइटनेस नहीं आना, लिंग में कठोरता नहीं आना, इसके लिए वापरी जाती है, जो मेनली PDE5 इनहिबिटर्स है। और दूसरा जो है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, जिसमें SSRIs वापरी जाती है। और तीसरा जो है सेक्स हार्मोन, वो उम्र के हिसाब से टेस्ट हार्मोन की लेवल कम हो सकती है, जिससे आपको सेक्स में प्रॉब्लम आता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करके बाद में आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले सकते हैं। तो ये सब दवाइयाँ हैं, ये दवाई के साथ साथ आपने डाइट प्लान देखना जरूरी है, डाइट कौन सा खाते हो, वेजिटेबल्स कौन सी है, फिर एक्सरसाइज आप ठीक करते हो कि नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हो, जंक फूड नहीं खाने का है, और डाइट कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने को होना। सबसे बेस्ट टॉनिक जो है, सबसे बेस्ट टॉनिक वो है इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड पार्टनर। इंटरेस्टिंग यदि वो लड़की है, वो औरत है, वो आपकी गर्लफ्रेंड इंटरेस्टिंग है, जो आप में इंटरेस्टेड पैदा करती है, मतलब आप इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो इंटरेस्टेड आप में है, इंटरेस्टिंग वो है, तो इससे अच्छा सेक्स टॉनिक नहीं हो सकता। ये बेस्ट सेक्स टॉनिक है। ये जो दवाइयाँ अभी मैंने बोला PDE5 इनहिबिटर्स, इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल, शारीरिक प्रॉब्लम है। मानसिक प्रॉब्लम है तो ये दवाई कोई काम की नहीं, फिर आपको एंग्जियोलाइटिस लेनी पड़ेगी, SSRI लेनी पड़ेगी, या फिर काउंसलिंग करना पड़ेगा। मगर बदन का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या और कोई बीमारी जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, तो आपको दवाई काम में आएंगी। तो ये दवाई आप ले लो, जो PDE5 इनहिबिटर्स है वो अलग अलग मिलीग्राम्स में आती है, 2 घंटा पहले लेना जरूरी है, सेक्स करने के 2 घंटा पहले। और जो ऑयल आते हैं, आयुर्वेदिक ऑयल आते हैं जो इरेक्शन में मदद करते हैं, मलम है जिनसे जल्दी गिरता नहीं है, लेट गिरने में कामयाब होते हैं आप, तो वो मलम आप ले सकते हैं, या एनिस्थेटाइज या सेंटेड कंडोम्स रहते हैं कि जो आपको प्री मैच इजैकुलेशन, मतलब शीघ्र वीर्य पतन में काम में आते हैं। तो ये सब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप आपका सेक्स एंजॉय करेंगे, खुद को एंजॉयमेंट होंगी, सेटिस्फाई खुद को होगा, और पार्टनर को भी आप सेटिस्फाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।